Yes, welcome to our Environment the Hindu news coverage sessions. And today we are going to discuss about the August 2020 current affairs, all the current affairs from the Environment the Hindu newspaper. Okay, and which is very, very important for the UPSC prelims and mains also. And in last few sessions, we have covered right from the June 19 to June 20, August 2020 तक हमने एक कवरेज देखा था, या फिर जुलाई, उसके बाद हमने जुलाई का भी कुछ कवरेज देखा है. जुलाई 2020 ये हमारा कंप्लीट हो गया था. सो अप टू जुलाई 2020 वी हैव कवर्ड ऑल द न्यूज़ फ्रॉम राइट फ्रॉम द 365 डेज, हमने पूरा कवरेज देखा है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अगस्त एंड सेप्टेम्बर. नेक्स्ट अब इसके बाद होगा हमारा सेप्टेम्बर करंट अफेयर्स. ओके, सो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब आर्टिकुलेट पे ही आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, सो प्लीज गो एंड वॉच फ्रॉम देयर ऑल द करंट अफेयर्स, वन ईयर करंट अफेयर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द यस, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट द प्राइस हाइक अलर्ट. ओके, ऑन द यस दैट इज ऑन अन अकेडमी. सो प्लीज आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको जो भी नेक्स्ट अभी 4th of October के बाद प्रीलिम्स के बाद जो प्राइस हाइक होगा, तो उसमें आप मतलब डेफिनेटली ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं होगी. सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस चैनल एंड यूज़ द कोड दैट इज सुमित कोंडे एंड यू विल गेट 10% ऑफ. ओके, सो इतना बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोड इसलिए यूज़ करना है बिकॉज 10% ऑफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा. एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस है, एंड मेरे भी जो खुद के एक कोर्सेस अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत एक प्लस कोर्सेस पे आपको एनवायरनमेंट का पूरा कंप्लीट बैच आपको वहाँ पे मिल जाएगी. एंड बाकी भी कुछ अगर कोर्सेस अगर देखे जाए तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th of October फुल ईयर एक बैच होगी, या डिफरेंट फुल सिलेबस कवर है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल ऑल्सो आपको वहाँ पे सब डिटेल्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज फर्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज राइट फ्रॉम द अगस्त 2020 पार्ट वन. ओके, सो ऐसे कुछ पार्ट वन होगा, बट डिफरेंट पार्ट्स पर हम पूरे कवरेज जो है तो पूरा वन मंथ का कवरेज यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है, सो आज के सेशन में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन. एंड देखो, कंजर्वेशन इलेक्टेड एज द टाइगर नंबर अप. ठीक है, तो कंजर्वेशन इलेक्टेड एज अ टाइगर नंबर अप इन आंध्र प्रदेश, सो रिमार्केबल इंक्रीज इन द टाइगर नंबर्स. तो ऐसे कुछ न्यूज़ में आया था, एंड देखते हैं, चलो उसके डिटेल्स देख लेते हैं. द नंबर ऑफ द टाइगर्स इज वन ऑफ द राइज इन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. तो NSTR में कुछ नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गए, एंड उसी रिगार्डिंग ये न्यूज़ था. तो वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड में कितने टाइगर से, वही आर्टिकल में एक्सटेंड करके बताया था, बट याद रखना इंडिया में 75% आते, जो कि नंबर है 2967. ये थोड़ा पुराना है लास्ट टाइगर सेंसस के आंकड़े, बट याद रखना अभी 2967 ऐसे कुछ नंबर्स हो गए. ठीक है, एंड उसके बाद अगर देखो NSTR न्यूज़ में आता है तो मुझे लगता है उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है आपको, या फिर देखना चाहिए कि कहाँ पे आता है, उसका एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में आता है. सो इट इज़ ऑन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉर्डर. ओके, सो ये कहाँ पे आता है, आंध्र तेलंगाना की बॉर्डर पे आता है. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया. आउट ऑफ 50 टाइगर रिजर्व अगर देखा जाए, सो ये सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया. प्लीज़ नोट दैट आउट ऑफ 50. सो द थिंग इज दैट ये कहाँ पे आता है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बॉर्डर पे आता है NSTR. एंड द एरिया कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द नल्लामल्ला हिल्स. तो याद रखना नल्लामल्ला हिल्स पे आता है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट. और ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है नल्लामल्ला, और उस पर ही आता है NSTR. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको, NSTR उस पर ही आता है, याद रखना. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, दैट इज द कृष्णा रिवर. ओके, सो कृष्णा रिवर फ्लोज बिटवीन एग्जैक्टली द नल्लामल्ला हिल्स. ओके, सो द थिंग इज दैट कि अभी देखो यहाँ पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि अलग अलग एंगल से आप देखोगे तो डिफरेंट एक क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है. जैसे NSTR का, जैसे मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, सेकंड है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे, कौन से हिल्स में आता है, नल्लामल्ला हिल्स है NSTR अगर देखा जाए. ठीक है, तो ऐसे ईस्टर्न घाट का पार्ट है या वॉट एवर किसका पार्ट है, तो वो शायद वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा. एंड सेकंड है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, देखो क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. सो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन. इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया. सेकंड इज द स्पैन्स अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. रिवर कृष्णा फ्लोज थ्रू द रिजर्व. यस यस, व्हाट विल बी द आंसर. ओके गुड, ओके ओके फाइन. ठीक है, सो देखो यस डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, यस दैट इज सी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो लार्जेस्ट भी है आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर एंड रिवर कृष्णा फ्लोज थ्रू दिस. ओके, तो यहाँ पे दिया जा सकता है ऑप्शन कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गोदावरी दे सकते हैं. ठीक है, या फिर भीमा दे सकते हैं. तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल होंगे, तो प्लीज़ नोट दैट ऐसे ही आपको डील करने ये क्वेश्चन के साथ. NSTR याद रखना लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का.
सो नेक्स्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ चल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो इट लाइज बिटवीन ईरान एंड कतार एंड पर्शियन गल्फ टू द ओमान, इनको कनेक्ट करता है डेफिनेटली। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, द नैरो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्ज पार्ट ऑफ द वाटर बॉडीज। ओके सो नैरो पार्ट है, सो डेफिनेटली स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर देखा जाए ईरान एंड कतार के बीच में आती है अगर देखोगे आप तो। सो नॉर्थ की तरफ ईरान है एंड साउथ की तरफ आएगा कतार। ओके सो ऐसे अगर आप देखोगे इसके बीच में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली देखो कि इट कंटेन्स द आइलैंड ऑफ केशम एंड हिंगाम, ठीक है। तो आइलैंड ऑफ केशम एंड हिंगाम, सॉरी, सो आइलैंड ऑफ केशम एंड हिंगाम यहाँ पे लोकेटेड है। सो दैट इज वी कैन से कि ऐसे टाइप में देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा और भी डिटेल में जाते हैं तो देखो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाएगा। और कतार अगर देखा जाए तो इस यहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सटेंड होता है डेफिनेटली, पर्शियन गल्फ है। और वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो वैसे ओमान का कुछ पार्ट आता है, यूएई का कुछ पार्ट है। एंड वी कैन से कि देखो यहाँ पे ओमान यूएई के कुछ पार्ट्स आते हैं। सो दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ओके क्लियर यहाँ तक सबको? यस गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज इज द एट 2967 टाइगर्स इंडियन कैपेसिटी एट पिक। ओके सो ऑब्वियसली अभी जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन की रिपोर्ट्स आए थे तो वैसे टाइगर सर्वे 18 में ही हुआ था जैसे देखा जाए तो, अभी 2020 चल रहा है। सो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये तो पुराना हो गया है ना, तो पुराना इसलिए ऐसे है कि इसमें ही अपडेट किया उन्होंने। तो टाइगर रिपोर्ट जो है तो ऑलरेडी टाइगर सर्वे उसमें उस रिपोर्ट में ही अपडेशन इसलिए किया है बिकॉज 29 जुलाई हमारा क्या होता है टाइगर डे। ओके सो टाइगर डे इंटरनेशनल टाइगर डे अगर देखा जाए तो 29 जुलाई होता है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था टाइगर जो कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है तो उसके अंडर। तो वहाँ पे फिर हमने ये टाइगर डे मतलब इंटरनेशनल टाइगर डे स्टार्ट किया गया था, 29 जुलाई हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ टाइगर डे। एंड उसी में ही बताया गया था कि इंडिया का अभी हाईएस्ट कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज हो गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ यहाँ पे सर्वेस दिख रहे हैं आपको, अलग अलग सर्वेस हो गए यहाँ पे। एंड वे फॉरवर्ड ऐसा था इसमें कि फॉर द फर्स्ट टाइम देर इज एन अटेम्प्ट टू सेग्रीगेट हाउ मेनी टाइगर्स आर लार्जली प्रेजेंटेड विद इन द रिजर्व एंड हाउ मेनी फिटेड इन एंड आउट वेयर द डिपेंडेंट ऑन द कोर रिजर्व ऑफ द सस्टेनेंस, ठीक है। तो ऐसे दिया था, चलो एनीवेज ग्लोबल टाइगर डे देखते हैं। तो 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है एंड द आइडिया बिहाइंड द ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन, जो भी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग दिया है। एंड IUCN में इसका लिस्टिंग क्या है, एंडेंजर्ड, शायद इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड द डे वॉज मार्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2010 अगर देखा जाए इन द सेंट पीटर्सबर्ग। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सेंट पीटर्सबर्ग में हमने ये स्टार्ट किया था रशिया में कि 2010 में एज ए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करना। ओके सो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज आती है, तो याद रखना ये 13 टाइगर रेंज कंट्री भी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे टाइगर्स मोस्टली ज़्यादातर अवेलेबल है। सो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऐसे कुछ कंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी। जस्ट आपको टेंटेटिवली ओवरलुक करना है, डू नॉट गो इन द डिटेल्स। सो 29 जुलाई हमने जैसे देखा है तो ऑब्वियसली यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने ऐसे कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया था। ऑल अगर मतलब देखा जाए तो 18 में जो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट पब्लिश किया गया था यहाँ पे, तो स्मॉल यहाँ पे जो वी कैन से कि पोस्टर ऑन द स्मॉल वाइल्ड कैट्स ऐसे कुछ यहाँ पे दिखाई गए थे। एंड सेकंड है कि इंडियाज कैपेसिटी एट पिक, बस ऐसे ही कुछ इस बार का टाइटल है। तो याद रखना इंडियाज कैपेसिटी एट पिक ऐसे 29 जुलाई को इन्होंने पब्लिश कर दिया था। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी हमने पूरे डेटास 2967 कौन से स्टेट में ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आते हैं MP में, सेकंड आएगा फिर उत्तराखंड, थर्ड आएगा कर्नाटक, ठीक है। सो याद रखना, सॉरी, सेकंड आएगा कर्नाटक, थर्ड आएगा उत्तराखंड एंड फोर्थ इज द महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक आपको सिक्वेंस देखना है, नथिंग बट क्या है कि सिक्वेंस देखना है कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर रिपोर्ट भी। आउट ऑफ 50 टाइगर रिजर्व 0 भी रिपोर्ट हुआ है डंपा टाइगर रिजर्व एंड बक्सा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो शायद उस पर क्वेश्चन बन सकता है। एंड ग्लोबल टाइगर डे कॉल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे एनुअल सेलिब्रेशन हमने जैसे डिस्कस किया सेंट पीटर्सबर्ग, याद रख लो। एंड देर इज अ नो थीम एज सच बट अ स्लोगन इज वेरी प्रोनाउंस देयर, सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स। ओके तो ऐसे स्लोगन भी था इस बार का 29 जुलाई का 2020 का, एंड दैट इज देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स, ठीक है। तो शायद इस पर भी कुछ बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे कि जैसे पलमौ टाइगर रिजर्व झारखंड, बक्सा टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, डंपा, अब यहाँ पे 00 नंबर्स यहाँ तक, मतलब इतना पॉपुलेशन यहाँ पे कम हुआ है कि आउट ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व से ये सब, तो उसमें 0 काउंट हुआ है बक्सा एंड डंपा में एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। तो इसलिए शायद ऐसे काइंड में क्वेश्चन बन सकता है बक्सा एंड डंपा जहाँ पे पूछना चाहते हो ऐसे शायद क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। सो देखो बक्सा जो आता है वो कहाँ पे आएगा, वेस्ट बंगाल, नॉट इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो यही काइंड में बनेगा, बाकी सब सही है। पलमाऊ अगर देखा जाए झारखंड में आएगा, डंपा मिजोरम में, सतकोसिया अगर देखा जाए तो उड़ीसा में आता है, ठीक है। सो ऐसे शायद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर सच क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज द बगजान ब्लो आउट पैनल फॉल्ट्स ऑयल ऑन सेफ्टी।
ओके सो ऑलरेडी ये न्यूज़ हमने बहुत बार कवर किया था जून एंड जुलाई के कवरेज में. सो प्लीज़ गो एंड चेक द कवरेज ऑफ 2020 जुलाई एंड जून. ओके सो ये हमने डिटेल में कवर किया है कि इसके नियर बाय जो कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आता है तो वो हमने कवर किया था. एंड उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नियर के रिवर के नियर बाय आएगा. ठीक है, तो ये सब लोकेशन हमने देखे ऑलरेडी. ऑयल पे 50 करोड़ का एनजीटी ने फाइन लगाया था फॉर द रिकवरी ऑफ दिस रीजन. ठीक है, तो वो भी हमने कवर कर दिया था. ओके, नेक्स्ट ऐसे ही पंपा रिवर कुछ न्यूज़ में थी तो देख लेना इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द केरला, ओरिजिनेट्स नियर द पुलाचीमली हिल्स इन द वेस्टर्न घाट एंड इट फ्लोज द वेस्टवर्ड ड्रेन्स इन टू द वेम्बनाड लेक. ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें. तो पंपा अगर देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर आएगा. वैसे अगर देखा जाए तो बाकी यहाँ पे भरतपुज़ा रहेगा या पेरियार एंड भरतपुज़ा, ये दोनों रिवर सबसे लार्जेस्ट हम देख सकते हैं, पेरियार एंड भरतपुज़ा. और उसके बाद आएगी पंपा रिवर. और पंपा रिवर अगर देखा जाए तो पुलिचीमलाई हिल्स है वेस्टर्न घाट में, तो यस डेफिनेटली वहाँ से ओरिजिनेट होती है. देखो ये पंपा लाइक दिस. ओके, एंड ये फ्लो होती वेस्टवर्ड एंड इट गोज एंड मर्ज इन द यस वेम्बनाड लेक. ठीक है, तो वेम्बनाड लेक को नॉर्थ से मिलती है पंबा रिवर या पंपा रिवर एंड साउथ की तरफ से मिलती है पेरियार रिवर. ठीक है, तो याद रखना ये पेरियार रिवर साउथ की तरफ है उसके, और भरतपुज़ा इसके ऊपर आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रही है बट ठीक है, एनीवेज एक टेंटेटिव याद रखो आप, भरतपुज़ा ऐसे कुछ ऊपर की तरफ आएगी. तो आफ्टर पेरियार एंड भरतपुज़ा इट इज़ द थर्ड, पंबा इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द केरला. ओके, तो शायद इस पर भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, न्यूज़ में आया था ये. ठीक है, तो देख लेना पंबा पेरियार एंड भरतपुज़ा. ओके, सो पेरियार एंड जो पंबा है सो दैट फ्लोज इन टू द वेम्बनाड लेक. ओके, एंड भरतपुज़ा डायरेक्टली अरेबियन सी में जाके मर्ज होती है. ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज सुप्रीम कोर्ट लुक्स टू सेव बोथ एनिमल एंड क्रॉप्स. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अंडरलाइन द अर्जेंट नीड टू फाइंड द अल्टरनेटिव किलिंग ऑफ द मराउडिंग वाइल्ड एनिमल्स एज द वर्मीन इवन वाइल प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम दैम. ठीक है, सो ऐसे ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन टू द फॉरेस्ट आर ड्राइविंग वाइल्ड एनिमल्स अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड फोर्सिंग दैम टू फोरे इन टू द ह्यूमन सेटलमेंट फॉर फूड. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन आए थे कि दोनों भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे ही उन्होंने कुछ मेंशन किया था कि शेड्यूल्स डिफरेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 1972 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, जो कि 1972 में बना था आफ्टर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जब इंदिरा गांधी इंडिया में आए थे वापस, उन्होंने स्टॉकहोम कन्वेंशन अटेंड करके इंडिया में जब वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने फिर यहाँ पे क्या है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पहले क्रिएट किया, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, सो तो देख लेना यहाँ पे कि बिफोर 1972 इंडिया हैड ओनली 5 डिजिग्नेटेड नेशनल पार्क थे, और इसके बाद ही बहुत सारे नेशनल पार्क क्रिएट हुए, और इसके शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ऐसे कुछ अलग अलग शेड्यूल क्रिएट हुए. और शेड्यूल 1 एंड 2 में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोटेक्शन होता है कि अगर इसका वॉयलेशन होता है ना, तो हंटिंग एंड अल्टरिंग बाउंड्रीज होगी या सेंचुरीज नेशनल पार्क. सो ये अप टू पनिशमेंट हो सकता है या पेनल्टी भी यहाँ पे हो सकती है. मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अगर देखा जाए तो 3 साल तक यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है इफ़ यू वायलेट द शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे एक्सटेंशन 3 टू 7 ईयर तक हो सकता है विद द मिनिमम फाइन ऑफ 10,000. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट क्राइम अगर देखा जाए, भी एक के बाद एक से बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं सेम पर्सन से, सो ऑलमोस्ट ये 3 टू 7 ईयर का होगा, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर. तो याद रखना ये मे भी पूछ सकते हैं कि कौन कितना यहाँ पे क्या है कि मतलब पनिशमेंट कितनी है. तो 3 टू 7 ईयर पनिशमेंट एंड मिनिमम फाइन 10,000 टू 25,000 ऐसे फाइन होगा. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखो, 10K टू 25K और 3 टू 7 ईयर्स फाइन. ओके, तो ये शायद मुझे लगता है इस पर कुछ क्वेश्चन बने. शेड्यूल 1 देख लेना कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगा. शेड्यूल 3 में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पेनल्टीज वगैरह कम होगी. शेड्यूल 5 इंक्लूड्स एनिमल्स मे बी हंटेड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनिमल्स मे बी हंटेड मतलब वर्मीन्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो याद रखना वो वर्मीन्स आएंगे शेड्यूल 5 में आता है. तो शेड्यूल 1 टू 4 इट इज़ प्रोटेक्टेड, राइट, एंड 5 कैन बी हंटेड, दैट इज़ वर्मीन हो गया यहाँ पे. और शेड्यूल 6 में देखा जाए तो एंडेमिक प्लांट आते हैं, दी स्पेसिफिक एंडेमिक प्लांट जो है वो आते हैं शेड्यूल 6 में. ठीक है, तो याद रखना ये सब वर्मीज क्या होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लो इसमें डिटेल्स में. एंड चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़. यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है, एनी डाउट अप टू दिस, यस प्लीज़ रिप्लाई सो दैट मुझे समझेगा. यस फास्ट, यस सुप्रिया एंड प्राजक्ता फास्ट रिप्लाई. यस एनी डाउट अप टू दिस, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इशू क्या है कि जब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कोई चीज़ तो आपको रिसीव होने के लिए ऑलमोस्ट
इट विल टेक 1 to 2 मिनट्स, ठीक है? सो इट्स हार्ड टू कम्युनिकेट विद यू, बट ठीक है, आप ये सेशन कंप्लीट अटेंड करो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखते हो, मतलब 19 के क्वेश्चन पेपर में, 2019 का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर था, तो ऑलमोस्ट द हिंदू से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट आउट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट कि जो 25 क्वेश्चन आते एनवायरमेंट से, तो उसमें ऑलमोस्ट 15, मोर देन 15 क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, जो न्यूज़ आई थी तो उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। सो एनी वे, चलो लेट्स स्टार्ट। द थ्री स्टेट रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड ढोल, ठीक है? सो कर्नाटका, देन महाराष्ट्र एंड एमपी, जो कि एक एंडेंजर्ड कंजर्वेशन लिस्ट में अगर देखा जाए तो एंडेंजर्ड ढोल जो है इंडिया में, तो उसका अगर देखा जाए तो तीन स्टेट में हाईएस्ट नंबर है। ऐसे ही कुछ नॉर्मल न्यूज़ थी। एंड वहाँ पे अगर देखा जाए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव हैबिटेट कंडीशन एंड द वी कैन से कि प्रेड डेंसिटीज ऑफ द ईस्टर्न घाट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो यहाँ पे नंबर्स कुछ इंक्रीज होने चाहिए ऐसे बताया जा रहा है। एंड वेस्टर्न घाट परहैप्स सपोर्ट द लार्जेस्ट ढोल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, और यही देखो क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है कि कब्स कहाँ पे, मतलब ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय सेक्शन या प्लाटू सेक्शन, कहाँ पे ज़्यादा है? सो योर आंसर मस्ट बी द वेस्टर्न घाट। ओके, प्लीज नोट दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट इज द ऑल्सो नोन एज द एशियाटिक वाइल्ड डॉग। तो ढोल को और क्या कहा जाता है? सो दैट इज द एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ओके, एंड नेटिव टू द सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड साउथ एशिया को नेटिव है ये सब, ठीक है? तो याद रखना, ढोल का एंडेंजर्ड अगर देखा जाए आयुसीएन में लिस्टिंग क्या है, तो एंडेंजर्ड है। क्लियर यहाँ तक? ढोल हंट्स इन पैक्स एंड टेंट, अभी ये थोड़े से फीचर्स आपके एंड से देख लेना। एंड ढोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एपेक्स प्रेडेटर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर देखा जाए तो एपेक्स टॉप प्रेडेटर में आता है। कीस्टोन स्पीसीज भी आप इसको बोल सकते हो, एंड ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आयुसीएन में। ओके, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखा जाए तो शेड्यूल 2 में आता है, नॉट इन शेड्यूल 1, प्लीज नोट दैट। सो देखो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ढोल इज द प्लेस अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन द आयुसीएन रेड लिस्ट, सो योर आंसर मस्ट बी येस, दैट इज एंडेंजर्ड। ओके, सो क्लियर यहाँ तक? एंडेंजर्ड तो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाएगी। ओके, एवरी वन अंडरस्टूड? ओके गुड, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट है, 3 बिलियन एनिमल्स अफेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। ओके, 3 मिलियन एनिमल्स अफेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। सो 3 मिलियन एनिमल्स, देखो कि जो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था उसके वाइल्ड लाइफ पे। जो बुश फायर हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया का आप टेंटेटिवली मैप देखते हो, उनके साउथ ईस्ट रीजन में, जो कि डाउन्स का रीजन है, डाउन्स ग्रास लैंड है, टेम्परेट ग्रास लैंड जहाँ पे आते हैं न्यू साउथ वेल्स में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ फॉरेस्ट फायर के अफेक्ट में आता है। एंड लास्ट 10 to 15 ईयर्स में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर था, ऑलमोस्ट मोर देन 11 मिलियन हेक्टर्स अक्रॉस द ऑस्ट्रेलियन साउथ ईस्ट पार्ट। ओके, सो ये इक्वल टू ऑलमोस्ट यूके आता है, सोच लेना कि यूके के बराबर इतना एरिया पूरा फायर, फॉरेस्ट फायर के अंडर आया था। एंड रैंकिंग इट एज वन ऑफ द वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजास्टर इन द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? तो इतना बड़ा ये डिजास्टर हुआ था, एंड उसी में बताया जा रहा है कि नियरली 3 बिलियन एनिमल्स इंक्लूडिंग कोआलास, जो कि ये होते कोआलास, कांगरूज हो गए, एंड अदर ऑस्ट्रेलियन एनिमल वेर किल्ड एंड डिस्प्लेस बाय द बुश फायर इन 1920, ठीक है? तो ऐसे कुछ यहाँ पे बुश फायर्स हुए थे। तो प्लीज़ थोड़ा सा बुश फायर के रिगार्डिंग देख लो कि कहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट रीजन, न्यू साउथ वेस्ट का कुछ पार्ट है, एंड थोड़ा सा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट आता है, तो वहाँ पे कुछ ये विक्टोरिया वगैरह सेक्शंस में हुए थे। एंड ऑस्ट्रेलिया फायर्स हैव स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट, वो ऑलरेडी मैंने बताया। तो यूपीएससी सिंपली पूछेगी कि कौन से एरिया में होता है, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। सो ये आंसर मस्ट बी द साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट है कि जैसे इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, तो इंडियन ओशन डायपोल बताया जाता है, ठीक है? तो इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव पोजिशन होती है, ठीक है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया बुश फायर का रीजन ऐसा है कि इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव होता है तो मोस्टली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे या फिर इंडोनेशिया पे हाई प्रेशर बिल्ट होता है, एंड टूवर्ड द मादागास्कर मैस्कलेन हाई रीजन पे लो प्रेशर बिल्ट होता है। सो जब यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे उतना रेनफॉल नहीं होगा। अगर रेनफॉल नहीं है तो अरिडिटी यहाँ पे बनेगी, और जितनी अरिडिटी होगी तो उतना डेफिनेटली यहाँ पे जो ग्रास लैंड है तो डेफिनेटली ईजिली या वी कैन से इन द शॉर्ट टाइम इट विल बी ड्राई। तो ये ड्राई जो ग्रासेस होते हैं तो वो बहुत ही जल्दी फायर कैप्चर कर लेते हैं, और यही फिर अंडर फायर आ जाता है। जब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव कंडीशन होगी, कि डायपोल मतलब टू पोल्स, वन इन द वी कैन से कि नियर टू द डार्विन, डार्विन एक ऐसा पॉइंट होता है, एंड यहाँ पे मैस्करन हाई का कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पे ये साइकिल बनती है। और निगेटिव जब होता है तो देखो निगेटिव के टाइम यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर दिख रहा है, और वो तब वहाँ पे बहुत अच्छा रेनफॉल होता है। अब तब ऐसे इवेंट इतने कैप्चर नहीं होते, मतलब मोस्टली तब इतने रिकॉर्ड नहीं हुए।
सो रिकॉर्ड तभी हुए कि जब इंडियन ओशन डायपोल कंडीशन पॉजिटिव होती है तब मोस्टली फॉरेस्ट फायर प्रोन होता है. एंड सेकंड कंडीशन इज द एलनिनो लानिनो कंडीशन. ठीक है, सो लानिनो नहीं, सॉरी एलनिनो कंडीशन. ठीक है, एलनिनो कंडीशन के टाइम भी यहाँ पे अगर कौन सा प्रेशर होता है मतलब बिटवीन द साउथ पैसिफिक, तो दैट इज ऑल्सो द हाई प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. ठीक है, और यही हाई प्रेशर इन द एलनिनो कंडीशन एंड पॉजिटिव आईओडी कंडीशन, सो अगर बोथ हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली रेनफॉल बहुत कम होगा, और रेनफॉल अगर कम होता है तो डेफिनेटली फॉरेस्ट फायर के इवेंट यहाँ पे ज़्यादातर इंक्रीज हो गए. सो दीज आर द रीज़न फॉर द फॉरेस्ट फायर इन द ऑस्ट्रेलिया. सो याद रखना, कुछ भी करके आपको याद रखना है कि दैट इज एलनिनो कंडीशन, ओके, एंड सेकेंड इज द पॉजिटिव आईओडी कंडीशन. सो दीज आर टू मेजर रीजन्स फॉर द फॉरेस्ट फायर इन द ऑस्ट्रेलिया. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ रहे सबको? यस, ठीक है. ओके, सो बाकी फिर मॉनसून विंड्स वगैरह ये बाद में आप आपके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में नोट कर देना उसको. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलो अभी ये ट्राई करो फास्ट, ये ट्राई करना ही आपको. मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ इस आपको ट्राई होने तक. फास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द पोक्काली राइस. ओके, फास्ट. यस बिबिन, मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे. डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बट थोड़ा सा रुकना है आपको. ठीक है, सो चलो बताओ फास्ट. पोक्काली राइस, इट इज़ वराइटी ऑफ राइस नोन एज फॉर द सॉल्ट वाटर टॉलरेंस. इट गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली एंड इट इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द तमिलनाडु. सो वॉट शुड बी द आंसर? यस बिबिन सेड दैट बी. ओके, बाकी लोग पास्ट, सबको आंसर करना है. वेरी नाइस सुप्रिया, दैट इज बी. ओके, और फास्ट. आई नो कि थोड़ा रिसीविंग लेट होता है यहाँ पे, बट स्टिल चलो ठीक है. चलो दो लोगों ने तो आंसर कर दिया है. सो यस वेरी नाइस, दैट इज बी विल बी द आंसर. एंड सॉल्ट वाटर टॉलरेंस हो गया एंड जी आई टैग उनको मिला है, डेफिनेटली मिला है. और ये तमिलनाडु नहीं तो कहाँ पे, केरला. ओके, सो केरला में ये पोक्काली राइस फेमस है. तो चलो देखते हैं. वही न्यूज़ थी कि पोक्काली राइस सीडिंग ट्रैवल्स फ्रॉम द केरला टू द सुंदरबन. ओके, तो सुंदरबन को ट्रैवल करने वाला है जो भी सीड का टाइप है, तो वो अभी हम सुंदरबन में इसको प्लांटेशन करने वाले हैं. तो क्यों सुंदरबन में? तो डेफिनेटली अभी देखो सुंदरबन में जो ड्यू टू द अम्फान साइक्लोन ऐसे आया था यहाँ पे, कि अम्फान साइक्लोन की वजह से यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है या सुंदरबन का पार्ट है, तो वहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ था? तो सैलिनिटी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द अम्फान साइक्लोन. तो इसी सैलिनिटी इंक्रीज होने की वजह से फिर यहाँ पे जो नेटिव जो वी कैन से कि राइस प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो उतना प्रॉपरली उसका वर्क नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी. सो सैलिनिटी टॉलरेंट अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही अच्छा माना जाता है पोक्काली राइस, जो कि केरला के बैक वाटर्स के आसपास लिया जाता है. सो इसलिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन माना जा रहा है इन द वी कैन से कि जो सुंदरबन का रीजन है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक सोल्यूशन माना जा रहा है. ठीक है, सो इसलिए बेस्ट हो सकता है अगर ये यहाँ पे वर्क करे तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा. सो दीज राइस वराइटी रिमार्केबल टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड फ्लड मेक्स इट यूनिक. ओके, एंड अबाउट 80% ऑफ द राइस पैडीज इन द सुंदरबन फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द सॉल्ट वाटर इंकर्जन. अगर देखे जाए से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, मतलब अगर होते हैं इनपे तो डेफिनेटली ये सेव कर सकता है या फिर प्रोडक्शन मेंटेन रखेगा सुंदरबन के रीजन में. सो पोक्काली वराइटी इज नोन फॉर द सॉल्ट वाटर टॉलरेंस. ठीक है, याद रखना. एंड इट इज एंडेमिक टू द सेंट्रल केरला. देन इट ग्रोन इन द अलापुझा, एर्नाकुलम एंड थ्रिसुर, जो बैक वाटर के रीजन से वहाँ पे मोस्टली ग्रो किए जाते हैं. एंड ऑलरेडी इसको जी आई टैग मिला है. एंड पोक्काली राइस इज एन एंशियंट फार्मिंग प्रैक्टिस. वन सीजन ऑफ राइस फार्मिंग इज अल्टरनेटिव विद द अनदर सीजन प्रॉन कल्चर. अगर देखा जाए तो इसमें इन बिटवीन देखो प्रॉन कल्चर भी होता है इसके बीच में, मतलब फिशिंग भी अच्छा एक डेवलप हो सकता है. एंड सैलिनिटी इज हाई, प्रॉन फार्मिंग टेक्स ओवर. मतलब ऑब्वियसली सैलिनिटी अगर हाई होती है तो फार्मिंग एक बहुत, मतलब प्रॉन का फार्मिंग एक अच्छा हो जाता है यहाँ पे. सो द क्रॉप डजेंट रिक्वायर द फर्टिलाइज अदर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर एज द टाइडल फ्लोज मेक द फील्ड हाईली फर्टाइल. मतलब टाइड्स यहाँ पे हीट होते हैं तो बहुत ही अच्छा एक फर्टाइल रीजन बन जाता है. एंड इट ड्रॉज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्रॉन एक्सक्रीमेंट अगर देखा जाए एंड अदर रेमनेंट्स. तो प्रॉन्स का जो एक्सक्रेटा होता है तो डेफिनेटली उससे भी क्या होता है, यहाँ पे इनको फर्टिलाइजर मिल जाता है. तो बहुत ही अच्छा है कि आप इसके साथ पोक्काली राइस के साथ प्रॉन फार्मिंग भी कर सकते हो. तो चलो ये अगर वर्क ऑन होता है सुंदरबन रीजन में तो बहुत ही अच्छा होगा सुंदरबन के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए. ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक सबको ये न्यूज़? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी पोक्काली राइस सीडलिंग.
ट्रैवल फ्रॉम केरला टू द सुंदरबन बिकॉज ऑफ द अम्फान, अगर देखा जाए तो ये सब उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी बासमती राइस अभी यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बासमती राइस देख लेना कि कहाँ कहाँ पे जिया टैग मिला है उसके लिए। सेम एक ही राइस, मतलब एक ही बासमती राइस का ही पार्ट को अगर देखा जाए तो मल्टीपल स्टेट में इसको मिला है। सो दैट इज़ पंजाब रहेगा, हरियाणा रहेगा एंड उत्तराखंड, नॉट एमपी। ठीक है, तो एमपी नहीं रहेगा यहाँ पे, 1 2 3 याद रखना। ये नदन पार्ट में ही बासमती राइस बहुत अच्छा ग्रो होता है, नॉट इन एमपी। ठीक है, सो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री डेथर्ड ऑन डिसीजन टू क्लोज एलजी प्लांट। सो एलजी पॉलीमर में जो विशाखापट्टनम ने स्टीयरिंग गैस का जो लीकेज हुआ था, तो ऑलरेडी हमने वो मई के करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा कवर कर दिया था। सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लो, है ना। क्लाइम एटलीस्ट 11 लिव्स जो भी बहुत बड़ा लॉस हो गया था ये एरियाज में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक बार मई 2020 का न्यूज़ कवरेज चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो चेक टू माई अन अकेडमी पे, ऐप पे अगर आप जाते हो तो सुमित कोंडे जस्ट टाइप करना है आपको एंड यू विल गेट ऑल द करंट अफेयर्स। ओके, सो करंट अफेयर्स एंड ऑल मैपिंग सेशंस हो गए, ज्योग्राफी के सेशंस है एंड एनवायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस, ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ वेरी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा किया है, सो दैट आपको उतना लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो फ्री सेशंस अवेलेबल है, ऑल फ्री सेशंस है। ओके, ठीक है। सो एनीवेज, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे एंड डेथर्ड ऑन द डिसीजन टू एनक्लोज द वी कैन से टू क्लोज द एलजी प्लांट। ठीक है, तो एलजी प्लांट बंद करने के लिए कहा गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो याद रखना सेक्शन 5 जो होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, दैट अलाउज द सेंटर टू शट डाउन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स दैट ग्रॉसली वायलेट द लॉ। ठीक है, तो अगर कोई इंडस्ट्री अगर बंद करना है, लाइक एलजी की पॉलीमर, एलजी पॉलीमर होगा या ऑयल वेल ब्लो आउट हुआ था आसाम में, अगर ये बंद करना है तो कौन से एक्ट से अंदर, कौन से एक्ट के अंडर हम बंद कर सकते हैं। सो दैट इज सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। तो याद रखना ये वायोलेशन ऑफ द एक्ट अगर होता है तो डेफिनेटली उसको शट डाउन किया जा सकता है वो इंडस्ट्री को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि शरयू रिवर जो कि बहुत ही न्यूज़ में है, सो द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक मानस सरोवर, ओके, इन द हिमालय एंड इज ऑल्सो नोन एज द घाघरा एंड शरयू फ्लोज थ्रू द उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश एंड अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, सो देख लेना यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, सो आंसर विल बी डी बिकॉज ऑल ऑफ द अबोव इज राइट। तो इसका अगर देखा जाए ओरिजिन कहाँ पे, लेक मानस सरोवर से लेके, तो वहाँ पे इसका ओरिजिन है शरयू का। शरयू को ही बाद में देखो उत्तराखंड एंड यहाँ पे जब फ्लो होती है तब उसको कहा जाता है घाघरा। ठीक है, जो कि बहुत ही न्यूज़ में घाघरा बिकॉज इसकी एक ट्रिब्यूटरी आपको पता होगी काली रिवर, और काली जो रीजन है तो वहाँ पे भी मतलब महाकाली एंड काली रीजन, तो वो भी डिस्प्यूट में था। जैसे कि हमने 9th एडिशन जो रिसेंटली पब्लिश किया था, 9th एडिशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल मैप, तो उसमें हमने वो रिवर शो नहीं किया, तो जो सगोलिडिटीज वगैरह बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे चल रहे, तो प्लीज़ वो चेकआउट कर लो आप। ठीक है, एंड अयोध्या इस पे आता है कि येस डेफिनेटली अयोध्या इज ऑन दैट। सो नेक्स्ट है उसके बाद, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस है बट हम थोड़ा डिटेल में नहीं जा सकते, बट चलो ये थोड़ा सा देख लेते बिकॉज करंट ओरिएंटेड थोड़ा क्वेश्चन है। सो सुनामी रेडी इज अ कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक, अगर देखा जाए तो कमीशन है IOC ऑफ द यूनेस्को टू प्रमोट द सुनामी प्रिपेयरनेस एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सुनामी रेडी इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इन्फॉर्मेशन इज द नोडल एजेंसी टू प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरीज टू इंडिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर सकते हो इसका आंसर फास्ट, और इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। यस, आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज आपको रिसीव होने के लिए वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो चलो नन ऑफ द अबव विल बी आंसर। तो याद रखना कि सुनामी रेडी टू ओडिशा कम्युनिटीज डिक्लेयर द सुनामी रेडी। ओके, सो देखा जाए तो देखो सुनामी रेडी इज अ कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड। सो देखा जाए तो जो इनिशिएट हुआ है बाय द इंटर गवर्नमेंटल और ओशनोग्राफिक कमीशन IOC ऑफ द यूनेस्को टू प्रमोट द सुनामी प्रिपेयरनेस। तो याद रखना सुनामी रेडी कम्युनिटी अगर देखा जाए, ठीक है, तो सुनामी रेडी कम्युनिटी ये परफॉर्मेंस जो बेस्ट प्रोग्राम है तो कौन लॉन्च करता है, ये शायद क्वेश्चन बन सकता है। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सुनामी रेडी, यस इट इज राइट, और जो कि ओडिशा में हुआ है, ठीक है, ओडिशा के कम्युनिटीज़ के थ्रू हुआ है। एंड अगर देखा जाए तो एडवाइजरी टू इंडिया अगर देखते हो तो वो कौन है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इन्फॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर देख लेना, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। सो देखो तो नेशनल अगर देखा जाए इनक्वाइस, ओके, सो इनक्वाइस इम्प्लीमेंटेड बाय द इनक्वाइस, सो नेशनल बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इनक्वाइस, तो इनके थ्रू ये इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड यूनेस्को के थ्रू वैसे देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है। सो इंडिया के अगर देखा जाए तो देखो टू यहाँ पे अगर लोकेशंस हम देख सकते हैं ओडिशा के, दैट इज वेंटा
त्रयपुर ऐसे कुछ पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड है प्रोनाउंसिएशन के लिए। सो वेंगटा त्रयपुर एंड नोलिया साही, ठीक है। सो एज सुनामी रेडी कम्युनिटीज, द टू कम्युनिटीज आर विलेज इन ओडिशा, ठीक है। तो शायद देखो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, नोलिया साही एंड वेंकट त्रयपुर ऐसे कुछ आता है, सॉरी। ओके सो क्लियर यहाँ तक। सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सुनामी रेडी इन द यस ओशनिक रीजन एंड ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट। ओके तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, शायद ये भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो ओडिशा क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट स्टेट रहेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो इनकॉइस ये एक ऑटोनोमस बॉडी आती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरीज टू इंडियन रीजन, ओके इंडियन ओशनिक रीजन, एंड 25 कंट्रीज भी इसमें पार्ट है। ओके सो क्लियर यहाँ तक सबको, ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट है लियोपर्ड पोचिंग हाईएस्ट इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र, ठीक है। सो जो लियोपर्ड का पोचिंग होता है तो बहुत ज़्यादा माना जा रहा है कि उत्तराखंड महाराष्ट्र ये रीजन्स में, ठीक है। सो देखो, सो यहाँ पे ट्रैफिक का कुछ रिपोर्ट आया था, स्टडी हैज़ बिन पब्लिश बाय द ट्रैफिक इंडिया कि जो सीजर एंड मॉर्टेलिटी ऑफ द कॉमन लियोपर्ड जो कि एक टाइटल के साथ दिया था स्पॉटेड, ठीक है। तो ऐसे ट्रैफिक का रिपोर्ट कौन सा था, स्पॉटेड नाम का एक रिपोर्ट है, इलीगल इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अ पिक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ द लियोपर्ड्स इन इंडिया। तो ऐसे स्पॉटेड नाम का एक रिपोर्ट ट्रैफिक ने रिलीज कर दिया, और उसमें बताया कि लियोपर्ड का जो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे क्या हो रहा है, पोचिंग हो रहा है एंड हंटिंग हो रहा है फॉर देयर स्किन एंड वॉट एवर अलग अलग यूज होते हैं इसके लिए। सो ऐसे ही देखो, द स्टडी रिवील दैट द टोटल ऑफ द 747 लियोपर्ड्स डेथ्स बिटवीन द 15 to 19 एंड 5 and 6 वेयर लिंक टू द इलीगल ट्रेड। तो इसमें से ऑलमोस्ट मोर देन मतलब 600 के आसपास ही यहाँ पे पोचिंग के रिलेटेड है। सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोचिंग इंसिडेंट्स ऑब्वियसली उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र में आपको दिख रहे हैं, तो इनके अलग अलग यूज़ है, बट याद रखना, चलो ट्रैफिक न्यूज़ में आता है तो ट्रैफिक पता होना चाहिए आपको। सो ट्रैफिक ये एस्टैब्लिश किया गया था WWF एंड IUCN के थ्रू, ओके इन 1979। ट्रैफिक इज लीडिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट, जो ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उन पर मॉनिटर करना, इलीगल ट्रेडिंग बैन करना, या फिर उसको मतलब वैसे ही मतलब उस पर मॉनिटर करना जो इलीगल ट्रेड होता है। तो नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड फाउंडेड इन 1979 एंड इट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द फील्ड ऑफ द ट्रेड इन वी कैन से द कंटेक्स ऑफ द बोथ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। सो इट इज अ ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF एंड IUCN। तो याद रखना, यही क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राफिक किसके ज्वाइंट प्रोग्राम से बना है। तो यहाँ पे UNEP ऑप्शन दे सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन देने को दे सकते हैं, देर इज नो लिमिट, ओके। बट याद रखना है, ट्राफिक अगर देखा जाए तो इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट ऑन लियोपर्ड साइटिंग सून, ठीक है। तो लियोपर्ड साइटिंग सून ऐसे कुछ एक रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट ऑन लियोपर्ड साइटिंग साइटिंग्स टू बी रिलीज सून, ओके। सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सेट टू बी रिलीज डेडिकेटेड रिपोर्ट ऑफ द लियोपर्ड, एंड वही रिपोर्ट हमने पीछे देखा है, एक्चुअली वो हमने कवर भी किया है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द स्पॉटेड, ओके। तो ऐसे उसका टाइटल था स्पॉटेड, ये रिलीज भी हुआ है। एंड 2014 में देखा जाए, द लास्ट फॉर्मल सेंसस ऑन इंडियाज लियोपर्ड वॉज कंडक्टेड इन यस 2014। तो ऐसे ये रेगुलर नहीं होता है, ये अभी कुछ 14 में हुआ था, उसके पहले ऐसे ज़्यादा कुछ सर्वे नहीं हुआ था। जैसे टाइगर का डेडिकेटेड सर्वे होते हैं, तो वैसे लियोपर्ड के अभी तक डेडिकेटेड सर्वे से ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ऐसे बताया जा रहा है कि देखो, पॉपुलेशन एट बिटवीन द 12,000 to 14,000 तक इनके पॉपुलेशन है। सो एक नंबर तो अच्छे है चलो, बट स्टिल ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। बिकॉज लास्ट कुछ ईयर्स में इनका पॉपुलेशन बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुआ है, इसलिए वल्नरेबल याद रखो। देखो IUCN की लिस्ट में कौन सा है, ये वल्नरेबल में आता है, ठीक है। एंड वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन्स में ये मिलते हैं, ऐसे कुछ नहीं है सब सहारा रीजन्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा या सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक है। एंड इनका ही मेलानिस्टिक वर्जन जो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैंथर। तो इसकी क्या है, ब्लैक पैंथर कोई अलग स्पीसीज नहीं है, लियोपर्ड का ही स्पीसीज है। बट उसका क्या है कि जब एक सिंगल कलर जब एक्सपोज हो जाता है मेलानिस्टिक, तो उसको ब्लैक पैंथर कहा जाएगा, ठीक है। ओके अंडरस्टूड एवरीवन, अपेंडिक्स वन में आता है साइड्स के, एंड शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऐसा रहेगा ये लियोपर्ड रिलेटेड पार्ट्स, एंड इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स में ये मिलते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, सुंदरबन हो, ग्रासलैंड, ओनली एक्सेप्शन ऐसे कि बीइंग डेजर्ट, ओके। सो वो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह पे ये मिलता है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि न्यूज़ में है, तो देखो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर, एंड इट इज़ बेस्ड इन द चंद्रबानी देहरादून, शायद हमने ये कल भी देखा था। एंड यहाँ पे क्वाड्रिनियल टाइगर सर्वे यहाँ पे कंडक्ट होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे कुछ अलग अलग यहाँ पे सर्वेज रहेंगे उनके थ्रू, ठीक है। सो एनीवेज, तो याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे देता हूँ आपको। तो एरवाविकुलम अगर देखा जाए,
नेशनल पार्क, एरवाविकुलन नेशनल पार्क, ठीक है. इट इज़ होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहर. इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, सो ऐसे कुछ क्वेश्चन है. बट वही है कि आपको रिसीविंग उतना फास्ट नहीं होगा, सो चलो मैं ही बता देता हूँ. सो आंसर इज़ द वन ओनली. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट अगर देखा जाए. इट इज़ द होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी ताहर. बट देखो ये केरला में लोकेटेड है, ठीक है, याद रखना. एरवाविकुलम कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में. और यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, सो दैट विल बी रॉन्ग. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सो दैट इज़ नॉट राइट. तो देख लेना एरवाविकुलम है ना, यहाँ पे आता है. और देख लेना ये किसका पार्ट आएगा, सत्यमंगलम वगैरह जो पार्ट्स है. तो इट इंक्लूड्स, अगर देखा जाए, नीलगिरी ताहर ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है. एंड इट इंक्लूड्स अरालम, मुद्दुमलाई, मुखुरती, नगर होल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एज वेल एज वायनाड एंड सत्यमंगलम. तो ये नीलगिरी के पार्ट है. सो एरवाविकुलम ये बहुत नीचे की तरफ आता है, याद रखना, ठीक है. सो यहाँ तक साइलेंट वैली हम लास्ट पकड़ सकते हैं नीलगिरी का पार्ट. तो नीलगिरी का लास्ट पार्ट कौन सा है? दैट इज़ द साइलेंट वैली. और यहाँ पे अगर अन्नामलाई में देखा जाए, ओके, तो नीलगिरी बाद आता है, देखो अन्नामलाई. तो अन्नामलाई में आएगा एरवाविकुलम, ठीक है. सो ये कम्प्लीटली केरला में आता है, समझ रहा है सबको, ठीक है. पेरियार होगा, पेरियार टाइगर रिजर्व देखो, इडुक्की रहेगा, पेराम्बिकुलम रहेगा. तो ये सब आते हैं अन्नामलाई के स्ट्रेच में कम्प्लीटली, ओके. एंड नियार वगैरह, नियार पेपर आपको जो दिख रहा है, तो वो भी थोड़ा सा अन्नामलाई का ही एक्सटेंडेड पार्ट है. अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ही आएगा वो भी, ठीक है. सो क्लियर यहाँ तक सबको? एरवाविकुलम का लोकेशन समझ गया आपको, ठीक है. एनी क्वेश्चन अप टू दिस? सो केरला में आता है, इतना याद रखना बस, ओके. यस, एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन फास्ट? ओके, गुड, ठीक है. सो चलो देखते हैं. सो ये नीलगिरी देख लेना, नीलगिरी में कौन से आते हैं? बांदीपुर, साइलेंट वैली, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, देन उसके बाद मुद्दुमलाई हमने देख लिया, चलो, वायनाड एंड नगर होल, ठीक है. तो ऐसे ही है, नीलगिरी के पार्ट है. ओके, गुड, ठीक है. सो गवर्नमेंट लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू बूस्ट इकोनॉमी एंड रिड्यूस द पोल्यूशन. तो ऐसे ही कुछ पॉलिसीज लॉन्च होते हैं. दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बिकॉज एक ही ऑप्शन है, अगर कंप्लीट आपको एलिमिनेट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो भी पोल्यूटेंट्स, अगर एलिमिनेट करने, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, सो आपको एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हम अप्लाई कर सकते हैं. सो द एम ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट अगर देखा जाए, तो दैट इंश्योर्स 25% ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड व्हीकल अक्रॉस द सिटी बाय द ईयर 2024 मस्ट बी द इलेक्ट्रिक व्हीकल. एंड वही है कि 25% तक इनको लेके जाना है, जो कि आज की डेट में सिर्फ 0.2 है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो 2024 तक, मतलब आने वाले 4 साल में, इनको दिल्ली को लेके जाना है 25% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन करना है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक होमवर्क देता हूँ, दैट इज़ द फेम इंडिया. सो फेम इंडिया फेज़ टू आपको चेकआउट करना है, ठीक है. एंड उसके लिए क्या क्या सब्सिडीज रहेगी वो थोड़ा सा चेकआउट कर लो, ठीक है. तो प्लीज़ इसके डिटेल में देखो, फेम इंडिया अगर देखा जाए, सो दैट इज़ फास्टर एडॉप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स, ओके. तो इसे देखा जाए, व्हीकल इन इंडिया एज मच सॉरी एज अ स्कीम अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान. तो ये किसके अंडर स्कीम आती है? फेम इंडिया, दैट इज अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंडर ये फेम इंडिया प्रोग्राम है, दैट इज फास्टर अडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ओके, क्लियर है. एंड डेफिनेटली देखो, इसका टारगेट क्या है कि 6.6 to 7 million हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें क्रिएट करना है 2020 तक. 9,500 मिलियन लीटर्स ऑफ द एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव फ्यूल सेविंग होना चाहिए एंड 2 million tons ऑफ द रिडक्शन इन द पोल्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, या फिर CO2 सिंक कितना हो सकता है. CO2 सिंक इन द सेंस कि यहाँ पे जितने हम व्हीकल से इमिशन कम करेंगे तो डेफिनेटली उतना CO2 सिंक होगा. तो 2 million तक CO2 कम होना चाहिए, मतलब कम वी कैन से कि एमिट होना चाहिए. तो ऐसे हमने टारगेट रखे है ना, तो ऐसे ये टारगेट देख लेना एक बार. और जॉब्स की भी बात करिए यहाँ पे, बट ये तीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, ठीक है. सो देख लेना कि कैसे कैसे जॉब्स है. एंड अबाउट 2700 अगर देखा जाए, तो चार्जिंग स्टेशन क्या हो गए, 3x3 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए एवरी सिटी में, है ना. तो ये एक रहेगा. एंड आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ऑफ ओवर द 3 ईयर्स, ऐसे कुछ अलग अलग यहाँ पे फेम इंडिया का प्रोग्राम है. सो प्लीज़ आप लोग फेम इंडिया देख लो, क्या स्कीम है और किसके अंडर आती है, ओके. सो ये आपका थोड़ा सा काम रहेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द, ठीक है, अभी ये सी हम बैंक वेल वगैरह आती है, ठीक है. सो द देखो यहाँ पे कि जो इनकरेक्ट पूछा है, सो सी हम बैक, अरेबियन सी हम बैक्ड वेल, ओके. सो द दीज आर ओनली नॉन माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ द हम बैंक वेल इन द वर्ल्ड.
सो दे आर लिस्टेड अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ द IUCN. ठीक है, सो बोथ आर राइट, सो दैट इज नाइदर वन एंड नॉट टू. सो देख लेना, अरेबियन सी हमबैक्ड ये टर्टल, सॉरी ये आती, सॉरी दैट इज वेल आती है. ठीक है, सो सी हमबैक्ड वेल आर द ओनली सेडेंट्री वेल इन द वर्ल्ड फीडिंग एंड ब्रीडिंग इन द सेम एरिया. ठीक है, तो शायद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओनली सेडेंटरी वेल इन द वर्ल्ड दैट फीडिंग एंड ब्रीडिंग इन द सेम एरिया एंड दे आर ओनली नॉन माइग्रेटरी पॉपुलेशन हमबैक्ड वेल इन द वर्ल्ड. एंड ये आते हैं एंडेंजर्ड में आते हैं, और जो कि ये कहाँ पे मिलते हैं, तो अरेबियन सी यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, याद रखना. सो दैट इज़ द एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN के. ठीक है, तो शायद इस पर भी कुछ क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, तो देख लेना एक बार. ठीक है, देन उसके बाद अस्त्रकान रिसेंटली इज इन द न्यूज़. ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो रशिया में आता है. तो देखो ये अस्त्रकान यहाँ पे दिखेगा आपको रशिया में, वोल्गा रिवर के बैंक पे आता है. ठीक है, और वोल्गा रिवर कहाँ पे जाके मर्ज होती है, कैस्पियन सी में. सो अस्त्रकान इज अ सिटी इन द वोल्गा रिवर इन द सदर्न रशिया. तो इट इज सेट टू अ टेक अ पार्ट इन द रशियन कैवकाज 2020 स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट टू बी हेल्ड इन द अस्त्रकान. तो ऐसे कुछ इसके रिलेटेड न्यूज़ में था. रशियन होल्ड्स अ मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज एवरी ईयर एट वन ऑफ इट्स मिलिट्री कमांड वॉस्तोक, जो कि ईस्ट में होती है मिलिट्री, मतलब एक्सरसाइज होती है. जैपेड जो वेस्ट की तरफ होती है. देन टेसेंटर ऐसे देखा जाए तो वो सेंट्रल एरियाज में होती है. एंड कावकास जो है वो साउथ में कैस्पियन के पास होती है, अस्त्रकान में. तो ऐसे उनके अलग अलग लोकेशंस में कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, तो मुझे लगता है वो आपको थोड़ा सा जोग्राफिकल एंगल से रीड करना चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट है PVTG पे. लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आया था, तो 75 लिस्टेड है पर्टिकुलर PVTG में, तो यस. एंड बस यही पे कि मतलब सेकंड इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में. एंड MP हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया. तो चलो देखते हैं, तो फर्स्ट तो राइट है. ठीक है, MP हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, इट इज़ राइट. 75 अगर देखे जाए तो यस, ये दैट इज ऑल्सो राइट, बट द हाइएस्ट नंबर इन द ओडिशा. PVTG अगर देखे जाए तो हाइएस्ट नंबर कहाँ पे आते हैं, ओडिशा में. ठीक है, तो नोट दैट, ओडिशा में आते हैं. क्लियर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं. देखो पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब अगर देखा जाए, सो एज पर द सेंसिस ऑफ 2011 में ज़्यादा भी कुछ इतना फर्क नहीं है, 8.2% के आसपास आते हैं. एंड MP अगर देखा जाए हैज़ द हाइएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ओके MP में आता है. एंड PVTGs अगर देखा जाए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ओके सो हाई नंबर, हाईएस्ट नंबर अगर देखा जाए तो ओडिशा में आते हैं, 13 आते हैं इसमें से 75 में से. और सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, दैट इज 12. ओके नेक्स्ट है, साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज इन माथेरान. ठीक है, अभी इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस माथेरान देख लेना कहाँ पे आता है. तो महाराष्ट्र में कुछ हिल स्टेशन है. एंड इट डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव रीजन इन द यूनियन मिनिस्ट्री. तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है उतना ही फाइंड आउट करो कि माथेरान एग्जैक्टली कहाँ पे आता है. ओके तो बस बाकी मुझे लगता है ये न्यूज़ में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, देन गैलापागोस आइलैंड इसलिए न्यूज़ में था, गैलापागोस आता कहाँ पे वो पहले चेकआउट करो. सो गैलापागोस आता है साउथ अमेरिका के वेस्ट में, इक्वेडोर के वेस्ट में यहाँ पे आएगा गैलापागोस, जो कि कहाँ पे पैसिफिक में आता है, साउथ पैसिफिक या फिर इक्वेटर के वेस्ट में. इक्वेटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो गैलापागोस आ जाएगा. तो इसलिए न्यूज़ में था कि रिसेंटली इक्वेडोर हैज़ एक्सप्रेस्ड एन ऑफिशियल डिस्कम्फर्ट ओवर द साइटिंग ऑफ द चाइनीज फिशिंग वेसल नियर द गैलापागोस. तो चाइनीज़ लोग यहाँ तक पहुँच गए देखो, तो इसलिए शायद ये न्यूज़ में था. ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे. ठीक है, सो चाइनीज़ यहाँ तक आ गए थे. ठीक है, तो इसलिए था. यूनेस्को फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर देखा जाए, सो ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ था 1978 में, सो दैट इज़ गैलापागोस. ठीक है, तो देख लेना, बहुत सारी स्पीसीज़ है, बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी, एक्वाटिक लाइफ भी बहुत अच्छी मानी जाती है. एंड यहाँ पे फिशिंग सेंटर्स भी बहुत अच्छे हैं. एंड गैलापागोस एरिया नेचुरल हैबिटेट फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्कैलोप्ड हैम्बरहेड शार्क्स, ऐसे कुछ होते हैं, तो उसके शार्क से भी फेमस ही है. ठीक है, सो एनी वेज इतना ही देख लेना कि गैलापागोस का लोकेशन क्या है, मुझे लगता है उस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा. ओके क्लियर है. एंड ये आता है साउथ अमेरिका के वेस्ट की तरफ आता है गैलापागोस. ओके सो नेक्स्ट है मिलने आइस शेल्फ. सो मिलने आइस शेल्फ इन द एल्समर आइलैंड कैनेडा एंड रिसेंटली इट वॉज ब्रोकन. ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, देखो जैसे मैंने आपको आइसबर्ग D28, ओके आइसबर्ग D28 लास्ट कुछ न्यूज़ में कवर किया था मैंने, आइसबर्ग D28 और ऑल्सो नोन एज द अमेरी आइस शेल्फ का पार्ट था वो, अमेरी आइस शेल्फ. ओके तो इसका जो पार्ट था आइसबर्ग D28, तो ये आता है कहाँ पे, अंटार्कटिक में. ठीक है, ऑलमोस्ट यूके के साइज़ का, यूके जितने साइज़ का ऑलमोस्ट, तो उतने साइज़ का ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर का डिसकंटिन्यू हुआ था आइसबर्ग D28 फ्रॉम द अमेरी आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका. तो इसीलिए ये न्यूज़ में था. तो वैसे ही मिलने आइस शेल्फ ये कहाँ पे आता है शायद पूछ सकते हैं. तो देखना कि कनाडा जो दिख रहा है आप ग्रीनलैंड के वेस्ट की तरफ, ये जो कनाडा के एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे आर्कटिक ओशन को ही लग के, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है मिलने आइस शेल्फ,
तो ये आएगा कनाडा का है, बस इतना ही याद रखो, मिलने आइस शेल्फ इज ऑफ द कनाडा एंड आई शेल लॉस मोर देन 40% ऑफ इट्स आइस कवर इन 2 डेज इन द एंड ऑफ जुलाई 20 एंड दिस हैज़ इंक्रीज द कंसर्न ओवर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड आइस शेल्फ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो मेन द लास्ट नोन इपी शेल्फ लेक अगर देखा जाए वाटर बॉडी डैम बाय द आइस शेल्फ. तो ऐसे कुछ मिलने आइस शेल्फ नो लॉन्गर नाउ एग्जिस्ट, तो देखो ऐसे ये डिसकंटिन्यू होगा. तो मिलने आइस शेल्फ कहाँ पे आता है, बस मुझे लगता है इतना भी किया तो हो जाएगा, दैट इज इन द कैनेडा. एंड अमेरी आइस शेल्फ आइसबर्ग D28 इज द पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका. ठीक है, क्लियर है, ओके. नेक्स्ट है हुलॉक गिबन, ये कुछ न्यूज़ में था. हुलॉक गिबन्स आर नेटिव टू द ईस्टर्न बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ वेस्ट अगर देखा जाए तो वहाँ पे पार्ट में कुछ आते हैं. एंड टेललेस हुलॉक होते हैं, जैसे कि अगर आप गोल्डन लंगूर्स देखते हो, गोल्डन लंगूर्स, ठीक है, तो वो होते हैं लॉन्ग टेल्ड होते हैं और इनको टेल नहीं होता है. तो याद रखना गोल्डन लंगूर के ऑलमोस्ट अपोजिट दिख रहे हैं आपको ये. गोल्डन लंगूर को बहुत ही एक लंबा टेल होता है एंड साउंडिंग होता है वो, मतलब ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, लाउड साउंड्स क्रिएट करते हैं. और हुलॉक गिबन गिबन अगर देखा जाए सो वो टेललेस होते हैं, याद रखना टेललेस हुलॉक गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया. ओके, एंड द एरियाज ऑफ हाई ट्रीज कैनोपीज यहाँ पे आपको दिखेंगे एंड इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. वेस्टर्न हुलॉक गिबन एक आता है जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं IUCN में, एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन है तो वो वल्नरेबल आते हैं IUCN लिस्ट में. तो देख लेना क्वेश्चन कैसे बनेगा. ठीक है, वेस्टर्न में अगर देखा जाए तो वो मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड दिबांग के आसपास कुछ मिलता है. एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन जो है तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड सदर्न चाइना, म्यांमार वगैरह के रीजन्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द आउटसाइड इंडिया से मिलेगी एंड वल्नरेबल में आते हैं वो. ठीक है, सो याद रखना दोनों अलग अलग टाइप से, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन. ठीक है, सो हुलॉक गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया एंड जो कि टेललेस होता है, याद रखना. ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट है, सो माथेरान जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया तो इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट माथेरान जो कि न्यूली फाइंड हुए थे स्पीसीज. तो यस डेफिनेटली इट इज राइट एंड इट हैज बीन नोटिफाइड एज इको सेंसिटिव जोन. तो यस इट इज ऑल्सो राइट, इको सेंसिटिव जोन में आता है. ठीक है, एंड ऐसे तुंगभद्रा रिवर है, प्लीज आप इसको बाद में स्टॉप करके ये क्वेश्चन पढ़ लो एंड आपको डिटेल्स उसके मिल जाएंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज इज द फॉरेस्ट कवर्स लॉस थ्रेटन्स द हॉर्नबिल इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, फॉरेस्ट लॉस इज द थ्रेटन्स हॉर्नबिल. ठीक है, तो हॉर्नबिल है उस पर क्वेश्चन आया, तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बिकॉज इसके पहले UPSC ने लास्ट 5 ईयर्स में 2 बार क्वेश्चन पूछे हॉर्नबिल्स पे. ठीक है, तो देखते हैं. स्टडी बेस्ड ऑन द सैटेलाइट डेटा समथिंग, यहाँ पे कुछ स्टडी है सैटेलाइट बेस्ड डेटा कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नोट किया गया है. कहाँ पे? पक्के टाइगर रिजर्व में, विच इज़ द एडजॉइनिंग ऑफ द पापुम टाइगर रिजर्व, सॉरी पापुम रिजर्व फॉरेस्ट. तो पापुम या फिर पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे क्या एक नोटिफाई हुआ है कि जो डिफॉरेस्टेशन कुछ हो रहा है लास्ट फ्यू डेज में एंड वही डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके नंबर्स कम हो रहे हैं. सो एज वेल एज द पार्ट अफेक्टेड आसाम्स अफेक्टेड बाई इलीगल फेलिंग एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट वॉज असेस्ड. पापुम रिजर्व फॉरेस्ट नेस्टिंग हैबिटेट अगर देखा जाए तो ग्रेट हॉर्नबिल के लिए एक फेमस है, ब्रेथ हॉर्नबिल एंड ओरिएंटेड पाइड हॉर्नबिल. सो ऐसे 4 स्पीसीज आती है यहाँ पे टोटल इंडिया में. 3 जगह पे आपको हॉर्नबिल्स मिलेंगे. फर्स्ट लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन है वेस्टर्न घाट एंड थर्ड लोकेशन इज द नारकोंडम. यस, नारकोंडम आइलैंड इन अंदमान निकोबार. ठीक है, तो ऐसे 3 लोकेशंस पे आपको हॉर्नबिल्स मिलते हैं. सो अगर देखा जाए द डेटा पॉइंटेड दैट द अलार्मिंग डिफॉरेस्टेशन रेट इन द पापुम रिजर्व फॉरेस्ट विद द फॉरेस्ट कवर हैविंग डिक्लाइन 76% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया. तो यहाँ पे 76% फॉरेस्ट रिजर्व कम हुआ है, तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो इनका हैबिटेट कम हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है. ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? ओके, सो देखो हॉर्नबिल्स, इनको फॉरेस्ट इंजीनियर, हॉर्नबिल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड एशिया ऑल्सो. सो दे आर रेफर्ड एज द फॉरेस्ट इंजीनियर, फॉरेस्ट फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे भी इनको कहा जाता है. ठीक है, फॉरेस्ट इंजीनियर्स एंड फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम है उनके, तो देख लेना वो भी एक बार आप. ठीक है, सो इंडिया में ऐसे टोटल 9 स्पीसीज आते हैं हॉर्नबिल के, विच ऑफ विच 4 आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट. ओके, एंड 4 मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में एंड 1 मिलता है नारकोंडम में. ठीक है, सो नारकोंडम हॉर्नबिल आर फाउंड ओनली ऑन द आइलैंड्स ऑफ नारकोंडम इन द अंदमान निकोबार. ठीक है, अंदमान, नॉर्थ अंदमान की ईस्ट की तरफ आता है नारकोंडम जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है. ठीक है, तो वहाँ पे एक बस उतने ही लोकेशन पे नारकोंडम हॉर्नबिल्स मिलता है. तो ऐसे अलग अलग पॉइंट देखो शायद बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन. ठीक है, सो दे आर हंटेड बाय द इथनिक कम्युनिटी स्पेशली द न्येशी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ऐसी कुछ ट्राइब्स है तो उनके तरफ से यहाँ पे इनका हंटिंग होता है.
तो देखो ऐसे पॉइंट्स है, तो शायद मुझे लगता है हॉर्नबिल सबको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे आता है या पक्के रिजर्व्स कहाँ पे आते हैं, तो वो थोड़ा सा चेकआउट कर लो। एंड देखो नामेरी नेशनल पार्क, ये सब नियर बाय जितने भी पक्के रिवर आती है तो थोड़ा सा देख लो। अरुणाचल प्रदेश में आता है, बस इतना याद रखना, पक्के और ऑल्सो नोन एज द पखुई टाइगर रिजर्व, ठीक है, पखुई में, पखुई या पक्के टाइगर रिजर्व। एंड इसके नियर बाय ये पपुम रिजर्व फॉरेस्ट आता है। ओके सो देखो ये पक्के टाइगर रिजर्व पखुई, ऑल्सो नोन एज द पखुई, एग्जैक्ट लोकेशन देखो अरुणाचल के आसपास आएगा यहाँ पे। एंड देखो प्रोजेक्ट टाइगर भी आता है पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से, ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे। एंड दिस टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड इन 16 एंड कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज फॉर द हॉर्नबिल नेस्ट एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए इनको मिला था कुछ अवार्ड पक्के को, और इसलिए यूपीएससी ने भी इसको पूछा ऑलरेडी। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द बरेली और कामिंग रिवर इन द वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बरेली एंड कामिंग रिवर कुछ फ्लो होती है वेस्ट की तरफ, तो शायद ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि इसके वेस्ट से कौन सी रिवर फ्लो होती है, सो दैट इज़ द कामिंग रिवर। एंड नॉर्थ की तरफ से देखा जाए तो इसके पक्के रिवर एक से कुछ फ्लो होती है, तो कामिंग रिवर याद रखो, वेस्ट की तरफ कौन सी रिवर है इसके, कामिंग रिवर। ओके एंड टू द ईस्ट लाइज द पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, इसके ईस्ट में थोड़ा सा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट आएगा। एंड टूवर्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट अगर देखा जाए एडजॉइन द रिजर्व ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द नामेरी नेशनल पार्क, तो पूछ सकते हैं शायद कि पक्के टाइगर रिजर्व का एडजॉइनिंग पार्ट कौन सा रिजर्व है या कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपका आंसर होना चाहिए नामेरी नेशनल पार्क। टू द वेस्ट एंड बाउंडेड बाय द दोईमारा फॉरेस्ट वगैरह, ऐसे कुछ अलग पार्ट आते हैं, बट एटलीस्ट नेशनल पार्क तो भी याद रखो एंड रिवर कौन से एडजॉइनिंग है एंड एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा स्टेट आता है, बस इतना आपको देखना है। सो ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या आंसर होगा यहाँ पे, यस स्टेट बर्ड, फास्ट इसको आंसर करो। यस यस फास्ट, क्या रहेगा इसका आंसर, ओके आई थिंक नहीं आ रहा है किसी को, ठीक है सो देखते हैं, चलो सो आंसर इज सी, दैट इज 1 एंड 3, ठीक है, सो केरला एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो इनका ये वी कैन से कि ग्रेट हॉर्नबिल अगर देखा जाए तो इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। ओके क्लियर यहाँ तक सबको, ओके नो इशू नो इशू, ठीक है, सो केरला एंड यस अरुणाचल प्रदेश, ओके ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पक्के टाइगर रिजर्व, फास्ट चलो ये तो होना चाहिए, ये आंसर करो फास्ट। पक्के टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन द फुटीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश, इट शेयर्स द बाउंड्री विद द नामेरी नेशनल पार्क एंड पापुम रिजर्व फॉरेस्ट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द पक्के टाइगर रिजर्व, फोन हॉर्नबिल स्पीसीज आर फाउंड इन द टाइगर रिजर्व्स। यस फास्ट, यस गुड सुप्रिया, वेरी नाइस, ठीक है, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हो, फास्ट, इट इज लोकेटेड इन द फुटीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई नो कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है एनीवेज चलो चलो देखते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट, इट इज लोकेटेड इन द फुटीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय अरुणाचल प्रदेश, यस इट इज राइट, इट शेयर्स द बाउंड्री विद द नामेरी नेशनल पार्क, अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये भी राइट है, और इसके वेस्ट में कामिंग रिवर है, तो ईस्ट में क्या है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ये भी राइट है। एंड फोन हॉर्नबिल स्पीसीज आते हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व में, अगर पक्के टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो 4 स्पीसीज है, जब भी मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट में 4 स्पीसीज, ईस्टर्न हिमालयाज अगर देखा जाए या फिर अरुणाचल प्रदेश देख लो आप तो 4 स्पीसीज, एंड नारकोंडम जो आता है इन द अंडमान एंड निकोबार तो वहाँ पे 1 स्पीसीज है, तो टोटल कितने हो गए 9 स्पीसीज है इंडिया में हॉर्नबिल्स के, ठीक है, तो बस उतना याद रखो, शायद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बने, ठीक है, तो चलो बाकी ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, तो आप बाद में भी इसको रीड आउट कर सकते हो। सो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट
वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व ईयरली ऑन अगस्त 12। सो अगस्त 12 ये हम वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। सो उसके लिए मतलब उसी दिन पे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया गाइड टू मैनेजिंग द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ऐसे कुछ लॉन्च किया था कि वो शायद कम हो जाए। तो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस, एलिफेंट प्रूफ टेंचेस होते हैं, हैंगिंग वायर, इलेक्ट्रिक फेंसेस, रबल वॉल्स अगर देखा जाए, एंड यूज़ चिली स्मोक इन द नॉर्थ बंगाल, प्लेइंग द साउंड्स एंड बीज और कार्निवोर अगर देखा जाए, तो ऐसे अलग अलग है। एंड प्लीज़ इसके रिगार्डिंग प्लान बी देख लेना, ठीक है। सो प्लान बी क्या है तो वो चेकआउट करो, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही थी, मतलब ट्रेन हिट हो रही थी, जो भी मोस्टली मतलब एलिफेंट्स होते तो उनको, तो इसी वजह से ट्रेन रूट के आसपास जो प्लान बी इम्प्लीमेंट किया कि बी के जो साउंड्स होते हैं तो वैसे ही सिमिलर साउंड निकाला जाता है, और वैसे इक्विपमेंट्स वहाँ पे इंस्टॉल किए, सो दैट वो जो रेलवे रूट है तो वहाँ से ये दूर रहे, जो भी एलिफेंट्स है तो वहाँ से दूर रहे, इसलिए प्लान बी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो प्लान बी किसके रिगार्डिंग है, तो एलिफेंट की डेथ्स या रेलवे रूट को सिक्योर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो प्लान भी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो याद रखना, एलिफेंट के नंबर्स वगैरह देख लो कि एलिफेंट के नंबर 2012 में थे 30,000 के आसपास, और 17 में 27,000 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इनका पोचिंग हंटिंग ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर्स कम हुए। तो ऑल द नंबर्स, और जो कि नंबर्स डिक्लाइन हुआ है 12 to 17 के बीच में, सो इट हैज़ बिन एट्रिब्यूटेड टू द डिफरेंट काउंटिंग मेथड्स। तो काउंटिंग मेथड्स चेंज हो गए, नॉट हंटिंग एंड पोचिंग। प्लीज़ इमोशनल मत हो जाना कि इतने सारे नंबर्स कम हो गए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हंटिंग उनका इंक्रीज हुआ है या एक्सीडेंटल डेथ्स या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, और यूपीएससी यहाँ पे आपको ब्लॉक कर सकती है। तो याद रखना, इतना 3,000 का नंबर कम हो गया रहता तो बहुत बड़ा इंडिया में इशू हो गया रहता था, बिकॉज एक नॉर्मल एक्सीडेंटल, मतलब एक्सीडेंटल नहीं बोल सकते, वो नॉर्मल भी नहीं बोल सकते, वो सीरियस ही था वैसे देखा जाए तो। जो आपको पता होगा कि पाइनएप्पल एक मतलब ट्रैप हुआ था केरला में, ठीक है। तो उसका जो मतलब उसको कंज्यूम करने से जो डेथ हुई थी, तो उसको ही इंडिया ने कितना सर पे ले लिया था। सो डेफिनेटली इतना 3,000 अगर कम होते तो डेफिनेटली इंडिया में वो मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, या इंडिया में बहुत उसके अपोज हो सकता था। सो याद रखना, काउंटिंग मेथड जो है तो वो उस वही रीज़न है कि यहाँ पे डिफरेंट काउंटिंग मेथड, एंड केरला ऑल्सो अंडर काउंटेड सम ऑफ द एलिफेंट। ऑलमोस्ट 2700 एलिफेंट केरला ने अंडर काउंट किए थे, मतलब उसको प्रॉपरली काउंट नहीं किया था, तो वो रीज़न है यहाँ पे कम होने का। प्लीज़, हंटिंग एंड पोचिंग ये रीज़न नहीं है यहाँ पे, इतना ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं हुआ है इंडिया में एलिफेंट का नंबर्स। ओके, सो सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे आते हैं, कर्नाटक में, सेकंड आता है आसाम, एंड थर्ड इज़ केरला। ये तीन याद रखो, बस हो गया, कर्नाटका, आसाम एंड केरला, बस, ठीक है। उसके बाद जो आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स है, तो जस्ट एक टेंटेटिवली ओवरलुक कर लो, बाकी इसमें ज़्यादा जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये माइक साइट्स होते हैं, तो प्लीज़ माइक साइट्स अच्छे से करो यहाँ पे, कि जो भी 10 माइक साइट्स है तो वो एक बार देख लेना। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज़ बीन फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। माइक मतलब क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ओके, सो उसका मॉनिटरिंग होगा। ये प्रोग्राम एक्चुअली प्रोग्राम ऑफ साइट्स, ऐसे ये प्रोग्राम साइट्स का प्रोग्राम है, मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स, जो कि 2004 में लॉन्च हुआ था बाय द साइट्स। ओके, याद रखना, एंड इट इज़ अ मैंडेटरी कॉप्स रिजोल्यूशन ऑन द साइट्स, ऐसे देखा जाए तो। तो एनी वेज चलो देख लो कि माइक्स में कौन से साइट आते हैं, तो टोटल 10 साइट्स है। चिरांग, पिरिपू, दहेंग पत्का ही अगर देखा जाए, ईस्टर्न द्वार से, वेस्ट बंगाल, देवमाली इन अरुणाचल प्रदेश, गारो हिल्स इन द मेघालय, मयूरभंज इन उड़ीसा, मैसूर, नीलगिरी, शिवालिक एंड वायनाड। वायनाड मधुमलई पता होगा ना आपको, केरला में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो वायनाड रहेगा। तो ये सब क्या है कि माइक साइट्स है, ओके, जहाँ पे मॉनिटर ऑफ किलिंग ऑफ एलिफेंट, जहाँ पे पोचिंग ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोकेशन से ही है। सो माइक देख लो एक बार फिर से, मॉनिटर एंड द किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स अगर देखा जाए तो ये मतलब 14 में कुछ इम्प्लीमेंट हुआ था एंड वॉज एस्टैब्लिश बाय द साइट्स। बस इतना ही याद रखो कि साइट्स ने एस्टैब्लिश किया था, एंड ये रिजोल्यूशन वैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 97 की हुआ था, तो वहाँ ने पे रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था, बट एक्चुअल प्रोग्राम कुछ 14 से वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, स्टॉप द डिजिमिनेटिंग द एनवायरमेंटल रूल्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का न्यू रैंक है, दैट इज 168 रैंक है इंडिया का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2020 के अकॉर्डिंग, और जो कि लास्ट ईयर था, मतलब लास्ट काउंटिंग में था 177। तो इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया, 168 तक आ गया हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, बट स्टिल बॉटम पे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बाइनियल इंडेक्स है, जो कि 2 साल में एक बार निकाला जाता है। बाइनियल मतलब क्या होता है, वंस इन अ 2 ईयर।
ओके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2 साल में एक बार निकाला जाता है, जो कि लास्ट था 18 का, और न्यू अभी जो 12th एडिशन इसके 20 के, और इसमें नंबर रहेगा इंडिया का 168, ये नंबर याद रखो ठीक है। एंड ये कौन निकालता है, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द WEF, याद रखना येल यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड यस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों मिलके निकालते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और जिसमें रैंक है इंडिया का 168 रैंक है ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस गुड। इसमें टोटल 32 इंडिकेटर्स होते हैं, बट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं वो सब पढ़ना, मेजर इंडिकेटर्स देख लेते हैं हम। तो एनवायरमेंटल हेल्थ पॉलिसी रहेगा, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट है, एयर वाटर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज है, तो ये इसके मेजर मतलब काउंटिंग वी कैन से द कैटेगरीज है या फिर इंडिकेटर्स है, जिसमें हेल्थ पॉलिसी, हैबिटेट, एयर वाटर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज ये काउंट होता है यहाँ पे, एंड डेथ्स ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, कितने डेथ्स हुए थे, ऐसे एक अकॉर्डिंग मतलब जनरल होता है उनका, तो वो यहाँ पे पब्लिश होता है। तो इंडिया में 5% ऑफ ऑल द डेथ्स इन 17 कुड बी एट्रिब्यूटेड टू द एयर पोल्यूशन। तो इंडिया में ऐसे रिपोर्ट में बताया गया था ब्रिटिश जनरल के कि 5% इंडिया में जो डेथ होती है, तो टोटल 17 में अगर देखा जाए तो वो हुई थी एयर पोल्यूशन से ठीक है, और ये जबकि बहुत ही बड़ा आंकड़ा आता है ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो ठीक है। इतने सारे न्यूज़ हम पूरे मंथ का 1 आवर में कवर कर रहे हैं, फास्ट कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप जो भी मतलब प्रीवियस न्यूज़ भी है, हमने जून 2019 से स्टार्ट किया था और अब हम पहुँचे हैं अगस्त तक ठीक है, तो पुराने न्यूज़ भी थोड़ा सा फॉलो करो, पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी वहाँ पे, तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। एंड अदर और एक थिंग ऐसे कि जो अनएकेडमी ऐप है वहाँ पे मेरे पूरे फ्री सेशंस है, ऑल इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही अच्छे PPTs आपको मिल जाएगी वहाँ पे, फ्री फ्री सेशंस होते हैं तो उसके साथ PPT भी अटैच होती है। सो जस्ट गो एंड फॉलो ऑन दैट चैनल, बिकॉज जितने भी न्यू न्यू सेशंस हो गए या न्यू न्यू मतलब लेक्चर्स हो गए, तो वो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे ठीक है। जस्ट आपको टाइप करना है सुमित कुंडे इन द सर्च बॉक्स, सो दैट यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स ओके, एंड उसके PPTs भी आपको मिल जाएगी, ये भी PPTs हो गए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है। ओके अंडरस्टूड एवरीवन? एनी क्वेश्चन? यस एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है। सो ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं कल राइट एट 1 PM विद द September 2020 करंट अफेयर्स, ओके 2020 September 2020 करंट अफेयर्स, जो कि लास्ट होगा हमारा ये पूरे सेशंस में, एंड देन नेक्स्ट हम 15th ऑफ अक्टूबर को 15 डेज का कवरेज देखेंगे ठीक है।